नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। आम आदमी पार्टी के नए शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को शपथ के लिए बुलाया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार दिल्ली के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। 11 फरवरी मंगलवार को दिल्ली चुनाव नतीजे आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने 16 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए पीएम मोदी को भी बुलाया है। इसके अलावा दिल्ली से 7 बीजेपी के सांसदों को भी बुलाया गया है। अभी यह नहीं पता है कि पीएम मोदी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे या नहीं। गौर करने वाली बात है कि पीएम मोदी 16 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। वहां वाराणसी को करीब 1,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। दिल्ली की नवनिर्वाचित सरकार के विधायक दल के नेता और होने वाले मुख्यमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल अपने नए कैबिनेट के साथ 16 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। हालांकि इससे पहले गोपाल राय ने एक अपने बयान में कहा था कि आम आदमी पार्टी इस समारोह के लिए किसी बाहरी मुख्यमंत्री को न्योता नहीं देगी। यह शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होगा। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को जनादेश मिला और पार्टी ने 70 में से 62 सीटें हासिल कर बंपर जीत दर्ज की। दिल्ली की जनता ने एक बार फिर केजरीवाल को सीएम के तौर पर चुना। केजरीवाल का सीएम के तौर पर यह लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। इससे पहले 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें हासिल की थी। उस समय आज ही के दिन यानी 14 फरवरी को दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय का कहना है कि रामलीला मैदान में दिल्ली के लोग ही वीआईपी गेस्ट होंगे। दूसरे दलों के नेताओं व दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को न्योता नहीं भेजा जा रहा है। सिर्फ भाजपा के 8 विधायकों को आमंत्रित किया गया है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी दिल्ली के साथ।